हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हम हर साइज की आस्तीन किस तरह कटिंग करें, उसको डाउन छोटे या बड़े साइज में किस तरीके से करते हैं। ठीक है, आरमोल डाउन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही सिखाने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर एक कपड़ा लिया है आस्तीन कटिंग करने के लिए। सबसे पहले आपकी जो भी लंबाई हो, आपको उस लंबाई को रखना होगा। और जो भी आपकी लंबाई हो, फिलहाल तो मैं यहाँ पर एक आपको एक आइडिया बता रहा हूँ कि हम डाउन किस तरह करें। ठीक है, आरमोल किसी का छोटा या बड़ा बैठता है तो वो सही कैसे बैठे, उस तरीके से मतलब आज हम कटिंग बताएंगे आपको एक ही बार में, कि आप यहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी और इसमें आपको काफी नॉलेज मिलने वाली है। जी, हमने यहाँ पर ये कपड़ा बिछा लिया, ठीक है, फोल्ड करके इस तरह फोल्ड कर लिया। और फोल्ड करने के बाद में आपको एक लगाना होगा यहाँ निशान, इस तरीके से लंबाई वाला। ठीक है, निशान जैसे हमने लगा दिया, निशान लगाने के बाद में आपका सारा मार्जिन ऐड हो जाएगा। इसमें केवल आपको यहाँ पर 1 इंच ऊपर निकालना है। ठीक है, ऊपर निकालने के बाद जैसे हमारी यहाँ पर लंबाई है मानो 22 इंच, तो हम यहाँ पर पूरा 22 इंच पे निशान लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपका यहाँ पर शर्ट चेस्ट है 34, 36, 32, ठीक है, और फिटिंग की शर्ट है, तो आपको नीचे शर्ट में लूजिंग कितना छोड़नी होगी, ठीक है, वो हम आपको बताते हैं। इससे हैवी साइज में जैसे 42, 42, 44, 40, इससे हैवी साइज में कितनी रखना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे 32 से लेके 38 तक आप यहाँ पर रख सकते हैं, 5.5 इंच की लूजिंग दे सकते हैं। ठीक है, 5.5 से ज्यादा ना दें। अगर आपका यहाँ पर 40, 42 या 44 इंच तक है तो आपको यहाँ लूजिंग देना होगी 6 इंच की। इसमें प्लेटें भी पड़ेंगी और यहाँ पर आपकी लूजिंग भी सही रहेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 5.5 का लगा दिया है। उसके बाद में अब यहां से हम डाउन कितना करेंगे, काफी लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम यहाँ पर डाउन कितना करें। तो दोस्तों, आपको इस तरीके से इंची टेप रखना है निशान से, और आपको यहाँ पर 3 इंच पे एक निशान लगाना होगा। अगर आपका साइज कम है, ठीक है, आपका साइज अगर कम है तो आपको यहाँ पर 2.5 इंच लगाना होगा। ठीक है, मतलब साइज कम कैसे, जो 32 से नीचे है शर्टे, 32 चेस्ट से जो नीचे हैं उस पर 2.5 इंच लगाएंगे, वरना आपको यहाँ सब पे 3 इंच लगाना होगा, चाहे साइज कितना भी हैवी हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक हम ये फंटी लेना जरूरी होती है। अगर आप मानो यहाँ पर स्केल से लगाते हैं निशान है, तो आप यहाँ पर सीधा करेंगे तो एक आध सूत या 2-4 सूत या आधा इंच ऊपर नीचे हो जाएगा, इससे कुछ आइडिया सही नहीं लग पाएगा। इसलिए आपको ये गुनिया फंटी लेना है, ठीक है, इसे गुनिया फंटी बोलते हैं, ये लेना है। इसकी बहुत जरूरत पड़ती है कटिंग के अंदर। सबसे पहले तो आप ये बात जानी है, शर्ट कटिंग करें, पैंट कटिंग करें, किसी में भी आपको इस स्केल की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक निशान लगा दें, ऊपर वाला जो ऊपर निशान है इस तरीके से, दूसरा लगाएंगे आप 3 इंच पे, और एक निशान इसी स्केल फंटी से लगाना है नीचे। बस आपको यहां पर मिलाना होगा, यहां पर आपको कोई सीधा नहीं रखना है, वो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मानो यहां पर आपने शर्ट का आर्मोल रखा है 9 इंच, ठीक है, तो आपको यहां पर 9 इंच ही रखना है इस तरीके से नापने में। जैसे ये नापेंगे ना सीधा करके इस निशान पे, तो आपको यहाँ 9 इंच रखना होगा। अगर आपने बॉडी का नाप यहाँ पर आरमोल की लटक 9 इंच रखी है, इसमें आपको कुछ नहीं बढ़ाना है। ज्यादा ही अगर आपको कुछ बढ़ाना है या आपको डर है कि छोटा बैठ सकता है, तो आप यहाँ पर केवल 2 या 1 सूत बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। अगर आपको ऐसे नापना होगा इस तरीके से, तो दोस्तों यहाँ पर आधा इंच बढ़ जाता है, यहाँ पर हो जाता है 9.5 इंच। इसलिए अगर आप इस तरीके से नापें, तो आप अगर आपने आर्मोल का लटक रखी है 9 इंच, तो यहां से रखेंगे 9.5 इंच। मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूं, अगर आपको इस तरीके से नापना है तो आप रखेंगे 9 इंच। आप यहां पर इस चीज का खास तौर से ध्यान रखें। उसके बाद में यहां से ये लोग ज्यादा कोई नापते नहीं है, एक आईडी से निशान लगा देते हैं, मैं भी आईडी से निशान लगा देता हूँ, मगर यहाँ पर आप अगर नए हैं
तो दोस्तों यहां पर आप 2.5 इंच का निशान लगा दें। 2.5 इंच का यहां पर निशान लगाने के बाद आपको यहां से आप डाउन करना शुरू कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। इन निशानों को आप चाहें तो इस तरीके से मिला भी सकते हैं, इस तरीके से आप यहां पर डाउन दे देंगे। उसके बाद आपकी अगर शर्ट फिटिंग की है, मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं, एक ही तरीके से नहीं बता रहा हूं, मैं आपको लूज और टाइट दोनों तरीके से बता रहा हूं कि अगर लूज शर्ट चाहिए तो किस तरीके से करना होगी और फिटिंग के शर्ट चाहिए तो किस तरीके से। अगर आपकी शर्ट फिटिंग की है तो आपको ये शेप फंटी लेना होगी, इसे शेप फंटी बोलते हैं, और ये जहां पर रील बुकरम मिल जाते हैं वहां पर आसानी से मिल जाती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर काफी लोगों ने मुझे बताया है कि यहाँ पर हमें फंटी चाहिए। भाई ये हम आपको भेज तो सकते हैं, मगर इसको ये सस्ती मिलती है, करीब 60-70-80 रुपए की मिलती है। अगर हम आपको इसको भेजेंगे ना, आप तक पहुंचा भी देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, तो इसका प्राइस काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिलीवरी चार्ज जो होता है, जो हम भेजते हैं लोगों को सामान, और क्योंकि हम यहाँ पैटर्न सेल करते हैं, जैसे कि शर्ट के पैटर्न और पैंट के पैटर्न, ब्लाउज के पैटर्न, प्रिंसेस स्कर्ट, और यहाँ पर आपका 4 डॉट ब्लाउज सादा, और यहाँ पर क्या नाम है, बेल्ट ब्लाउज, मद्रास कट ब्लाउज, ये सब हम इस चीज के पैटर्न सेल करते हैं लोगों को, ठीक है। हमारा यहाँ पर जैसे हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए आप, जैसे कि हमारा एक पैटर्न जा रहा है इस टाइम, पैटर्न का एक पैकेट, इसमें 4 डॉट सादा ब्लाउज है। इसी तरीके का हम यहाँ पर पैटर्न सेल करते हैं और हम आपको ये फंटी पहुंचा सकते हैं, मगर दोस्तों के 60-70 रुपए की चीज है, मगर आपके पास पहुंचते पहुंचते के पहुंच जाएगी कम से कम 300-400 रुपए की। इसलिए मैं किसी से कांटेक्ट नहीं करता इसे भेजने के लिए, और फिर रास्ते में इसका टूटने का भी डर रहता है क्योंकि फाइबर है, ठीक है, इसलिए मैं ये नहीं भेज पाता। मगर काफी कमेंट्स मैंने पढ़ी है, मेरे पास ज्यादातर कमेंट इस फंटी के लिए आती है, मगर मैं भाई इसे नहीं भेज सकता। अगर आपको ज्यादा प्राइस पे चाहिए है, जो भी आपका प्राइस पहुंचेगा मुझे फंटी का जमा करने के बाद, मतलब फंटी का रेट लगा के और जो मेरा डिलीवरी चार्ज जाएगा उसे लगा के, अगर आपको चाहिए तो प्लीज मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको ही भेज सकता हूं। तो दोस्तों यहां पर हमने ये निशान और ये निशान, अगर आपको फिटिंग वाली शर्ट चाहिए तो मैं इस तरीके से लगाऊंगा, ये देख लीजिए है। अगर मुझे शर्ट लूजिंग पहनना है, लूज शर्ट पहनना है, तो इस फंटी को मैं यहां से, इस निशान से कम 4-5 इंच ऊपर करके निशान लगाऊंगा। तो ये यहां पर आस्तीन हमारी लूज हो गई। मैं आपको निशान लगा के दोनों दिखाता हूं, ये लूज वाले निशान है और जो दूसरा निशान है वो निशान हो गया ये, इसमें करीब फर्क आ गया हमारा 0.5 इंच का, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर उम्मीद करता हूं मैं आपको यहां पर आस्तीन की कटिंग आई गई होगी। अगर प्लीज आपको आस्तीन की कटिंग आ गई हो, प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब दोस्तों मैं इसे कटिंग करूंगा, यहां से एक चीज का ध्यान दें, मैंने हल्का सा देखिए उठा दिया है निशान से ऊपर को करीब 2 सूत, ये आप जरूर उठाया करें, क्योंकि जब हम यहाँ पर सिलाई लगाते हैं ना तो सिलाई से थोड़ा नम हो जाता है, तो यहाँ पर ये कवर कर लेगा, ठीक है। इस चीज का खास तौर ध्यान रखें, कफ चढ़ाने में आपको आसानी होगी। उसके बाद जो हमने 2.5 इंच का निशान लगाया है, यहां से हम इस तरीके से एक निशान लगा देंगे, करीब 0.25 इंच गहरा है ये, और इसको यहां से कर देंगे अलग, क्योंकि ये हमारा सामने में चढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद में हमें आस्तीन को पलटना है, और पलटने के बाद जो हमारे यहाँ 0.5 इंच का मार्जिन जाएगा ना ये साइडों में, वो हम निकाल देंगे। फिर उसके बाद ये आधा आधा होएगा, इस चीज का ध्यान रखें, आप इसको बराबर कर लेंगे ना इस तरीके से, और यहाँ कट मार देंगे तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि यहाँ पर आपकी एक शर्ट छोटी बड़ी हो जाएगी, बिल्कुल बीच में कट नहीं लगेगा। तो आपको यहाँ पर इसको 0.5 इंच निकालना होगा, जो भी आप मार्जिन लेते हो 0.5 इंच का या उससे ज्यादा। और उसके बाद में यहाँ पर चाक पट्टी की जो हम लंबाई रखेंगे वो बड़ी शर्ट में रखेंगे 5.5 इंच, ठीक है, चाहे लूज हो या फिटिंग की हो, कैसी भी हो, आपको साइज एक ही रखना है 5.5 इंच। अगर बच्चे की शर्ट है, ठीक है, तो आप इसमें यहाँ 4.5 की रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको कटिंग। तो दोस्तों हमने इसको भी कटिंग कर लिया है, ये देखिए, ठीक है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और प्लीज इस वीडियो को शेयर इतना कीजिए कि जिन लोगों के पास यहाँ पर, जिस लोगों को इसकी जरूरत है, आपके दोस्त हैं, भाई हैं, स्टाफ के हैं, उन लोगों को शेयर जरूर कीजिए, जिन लोगों उन लोगों को यहाँ इसकी नॉलेज मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं, हम अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।